हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ गाइस। आज का भाई साहब एनर्जी होना चाहिए क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम है। और भाई काम क्या है, मतलब शादी है आज तो भाई। अभी तो मतलब चाय पी के बाहर से आए हैं, अभी अभी बस फ्रेश व्रेश होके फिर अब बाहर निकलेंगे। तो जो लेडीज का कार्यक्रम है वो काम वाम चालू हो गया है। बस अब ये देख लो हमारे रूम का क्या हाल बना पड़ा है। और सोच रहे कि बाहर बाहर जाकर चेकअप करते हैं क्या है क्या नहीं, हमें हमारे लिए कोई काम वाम है या हमें बेल्ला घूमना है। अब देखते हैं जाके। ये हल्दी की तैयारी चल रही है, देखो छोटा सजावट की तैयारी चल रही है। बाकी हमारा तो ये काफी पता ही है, काफी रह रही है। बाकी है ये ब्रेकफास्ट मिल गया हमारे, देखो इतना हैवी, ये भी मीठा, ये भी मीठा, ये तो सारी नमकीन है और सैंडविच है, इससे ज़्यादा हैवी भाई पता नहीं। और एक और शख्स आ रहा है, देखो सब ये पता नहीं क्या कर रहा है भाई। अभी इसमें खा के चेक कर रहे थे, कंप्लीट कर रहे खाओ का, जल्दी कर रहा है ये खत्म भाई। सारा सेटअप बहुत अच्छा हो गया। अब भाई कितना निकल रहा है, अब ये सारी तैयारी चल रही है भाई। सारा सेटअप हो गया, हमारा करने का सब हमारा चालू हो गया। ये भाई हमारा हल्दी स्टार्ट हो गया, जो गर्ल्स टाइप के सारी लेडीज आ गए यहाँ पे, बस ये हमारे बीच में आए। ये लेडीज पार्टी, ये अभी शायरी बैठी हुई, अभी मेकअप नहीं करी हुई, अभी मेकअप करेगी। यस सारी यहाँ पे कल से बैठी हुई है, ये हल्दी की तैयारी में है भाई। जल्दी से हल्दी स्टार्ट हो तो इनका काम ख़त्म हो। ये सारे गर्ल्स वाले ये हमारे तरफ से है सारे, इसमें बॉयज पार्टी नहीं है। तो हाथ लगा के इधर देख लीजिए एक बार आप सब। गाइस रेडी हो चुका है, देख के चक्कर में यहाँ पे शायद मतलब जो भी फंक्शन था ना हमारा खत्म हो गया। ये सब कुछ अब रेडी हो चुका है, ये पिटने की मार पड़ रही है और पीछे पीछे, क्योंकि खाना खाने को लेट हो रहा है, हम खाना नहीं खाए। तो भाई फटाफट हम खाना वाना खाते, खाना लगा भाई, प्लेट उठाओ जल्दी जल्दी भाई, क्या क्या है, लो लो काट सब जल्दी जल्दी लो। चलो मेरे चप्पल उनके पास है, फूफा जी के पास। गाइस सब चल रहे हैं, रेडी वेडी होते हैं अभी नहीं भाई, अभी क्या 9 बजे अंधेरा हो रहा भाई, की लगा तो जा मेरे को देख कर अंदर दे भाई। अभी देखो गाइस रेडी हो गए हैं अब शादी में जाने के लिए, आप देख लो रेड है। हम चलते हैं शादी वादी में सेट कर, शादी वादी में जाते हैं, देखते हैं। अभी अभी तो रेडी वेडी हो रहे हैं भाई, आप से बोलो फिर दोबारा जाके नहा लिए थे, अब निकलते हैं। गाइस गर्ल्स वाले तो रेडी हो चुके हैं, हम भी रेडी हो गए हैं, बस अब यह है कि बारात की तैयारी करना था हमें, बैंकेट हॉल दूसरे वाले बैंकेट हॉल में जाना है, तो हमें सामान वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तब वहाँ के लिए अब हमें रेडी हो तो हो ही गया, बस अब ये कि मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हमें दूसरे वाले बैंकेट हॉल में जाएंगे, वहाँ से अपना सामान वामान जो भी होगा सारा सेट। ये है बारात जहाँ पर आएगी हमारी, ये है एंट्री गेट, आप देखो यहाँ से एंट्री गेट, मतलब क्या अमेजिंग लग रहा है। अभी तो लाइटिंग वाइटिंग उतना स्टार्ट नहीं हुआ है, पर आप देखो एंट्री गेट देख लो सारी फोटोस फ्रेम है, देख लो अभी तो अभी मतलब अभी तो आने वाले है, तो अभी सारे अभी सेटअप स्टार्ट ही हो रहे हैं। ये एंट्री गेट, यहाँ से एंट्री है हमारी, यहाँ से सारी एंट्री हो गई दूल्हे की, जो आपका मेन चीज है हॉल,
आपका हॉल दिखा दे, यहाँ पे तो कोई इतना खास है नहीं, ये है और मेन चीज सेटअप ये है। यहाँ पे जयमाला होगा, यहाँ होगा तो यहाँ शादी होगी, वरना हम जहाँ थे ना वहीं पे शादी होगी। ये वहाँ पे मतलब एक कोल्डिंग होल्डिंग का सेटअप है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट, बाकी यहाँ पे सारा खाना वाना है, सारा सेट। तो भाई जो भी सेटअप है ज़बरदस्त है, कमेंट बताए कैसा लगा आपको ये सेटअप। बाकी ये बॉल है, ये एंट्री कर जब गर्ल्स या जो दुलाएगा बॉल्स वाले जो वहाँ से कैश निकलते, ये सेटअप है। बाकी ये चीज़ देखो, कमेंट बताना कैसा लगा हॉल। ये जयपुर का बस चेक कर लो लाइटिंग में क्या जी हो रहा है, पूरा स्टार्टर सब चालू हो गया है, यहाँ पे सारा सब करना है, टू जेड सब कुछ रेडी है, तो लेके वेट हो रहा है वो स्वागत के लिए। यस इसके ना वो लग गए, बाकी गेट के लिए रिबन ले रखे हैं, यहाँ पे गेट पे रिबन मारेंगे, बाकी बस आने वाला है। बाकी हमारे गर्ल्स पार्टी के लोग आ गए यहाँ पे, बस सामने लेके आते हैं। भाई भाई साइड हो, साइड हो ना, साइड हो जा, साइड हो जा। ये सामने चले जाओ, आप आगे आ जाओ ना मेरे, भैया ऊपर डाल लो ना, आप थोड़ा सा ब्रेक लो, स्टाइल यही होता है। गाइस को रिसीव कर लिया, बस वो सामने वाले गेट पे एंट्री कर रहे हैं, तो एंट्री के लिए भाई ये देख सकते हो क्राउड, अभी इस टाइम का क्राउड कैसा हो रहा है, और वो क्राउड तो ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा हो ही गया भाई। अब फटाफट जल्दी से एंट्री करवाते, देखा धासू एंट्री होने वाला है, उसके बाद हम फटाफट अपना ड्रेस चेंज करेंगे भाई। अब एंट्री का वेट करो, सामने देख रहे हो सेटअप है। सेंटर में आओ,
मीठे जो भी है दे दा के, बाकी वहाँ पे और भी रसम वसम जो छोटे छोटे रसम है वो सारे मुझे ही करने हैं। तो मैं फटाफट भाई जल्दी से कपड़े चेंज, मुझे बहुत ज़्यादा वो हेवी से लग रहा था भाई, मैं फटाफट अपना सिंपल सा फोन में पहन के खाने का डिश देखो आपको हम चेक करा रहे हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स भाई टू चे ये यहाँ पे कुछ नहीं, अभी आ रहे हैं ब्लॉग बना दूँ। अरे ब्लॉग ब्लॉग तो सॉस पास्ता, सॉस पास्ता वाइट वाइट सॉस पास्ता एंड ये छोले कुछ टिक्की गोलगप्पे एंड ये क्या है दही मल्ला, तो ये दही ये ज़्यादातर से सारी चीज़ें आपके पापड़ एंड ये लच्छा ये मलाई गोभी चंद्र सौ भाई सौ अच्छी अच्छी चीज़ें है चावल, बाकी ऐसे नॉर्मल चीज़ें जो है खाना वाना जो भी है जो भी क्या खाना है मिक्स वेज पनीर का मतलब खाना है, मतलब ड्राई फ्रूट में मतलब जो भी है फास्ट फूड ड्राई फ्रूट जो भी है बिल्कुल गजब है, मतलब स्वादिष्ट इतना है ना गजब मतलब कह नहीं सकते। मौसम ही देखो वाइट सॉस पास्ता एंड कैसा है ठीक ठाक है मस्त है मतलब अच्छा नहीं बोला चेक करते गाइस, बाकी अभी मैं वाइट सॉस पास्ता लेके चेक करता हूँ कैसा है कैसा नहीं है। वाइट सॉस पास्ता बिल्कुल अमेजिंग है ऑसम गाइस, जयमाला कंप्लीट हो गया, जयमाला वमाला जो भी था खाना पीना भी लोग बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, गेस्ट वेस्ट भी ख़त्म हो मतलब चले गए। मोस्टली कुछ लोग ही जो अपने है ना लड़कों वाले जो अपने फैमिली मेम्बर में से थे वही लोग हैं, बाकी मोस्टली लोग चले ही गए हैं, इतना खास लोग नहीं हैं वो चले गए हैं। बाकी अब जो मतलब लड़के वाला का रस्म होता है अब ये है कि हमारे मृत्यु पूजा का कहते हैं, जो लड़का कहते हैं तभी मर्त्य पूजा होगा और इसके बाद शादी होगा, बट यहाँ पे होना था शादी अब यहाँ पे नहीं होगी, जहाँ पे हम पहले थे ना वहीं पे शादी अटेंड होगा और वहीं पे सब कुछ होगा। तो अब भाई थोड़ा एक घंटा आराम करके रेस्ट करके फिर अब वहाँ के लिए फिर वहाँ से फिर साउथ को खाना लग रहा है देखो क्या है गाइस देख रहे हो, दो बज गया, दो बजे करीब में भाई अभी तो मतलब शादी चालू हो गया, मतलब जो भी हमारा चालू होता है यहाँ सारा सामान गाइस यहाँ सारा भी थोड़ा ना यहाँ पे यहाँ बैठा अभी एकदम साफ पे उन्होंने कन्यादान हो रहा है अभी कन्यादान ये गाइस अभी भी कन्यादान ही चल रहा है मुश्किल से, पता नहीं कब तक होगा मुश्किल से मुश्किल ही टाइम ज़्यादा लगता ही है, रात को साढ़े आठ चार बज गए अभी के टाइम, चार बज गए अभी के टाइम भाई तीन दाड़ी आँखों में, पर क्या करें भाई अभी काम है ऐसा तो करना तो पड़ेगा ही भाई, अब जाते टाइम देखेंगे पर देखो भाई बड़ी क्यूट लग रही है कुछ भी को गाइज यहाँ पे शादी का फेरा जो था वो कंप्लीट हो गया, अब रह गया सिंदूरदान और सिंदूरदान के बाद अभी छोटे मोटे कार्यक्रम है, बाकी छोटे मोटे अवार्ड है उसके बाद तो आपका तो शादी कंप्लीट, उसके बाद विदाई मेन चीज़ है कि विदाई भाई मेन तो विदाई होती है, कोई बात नहीं वो भी फेस करेंगे जितना फेस किया वो भी करेंगे, बाकी अभी तो इन्जॉय करते शादी का भाई, ज़्यादा लोग आए नहीं सब लोग सो गए बस यही शख्स है यहाँ पे बैठे हुए। गाइस शादी कंप्लीट हो गया, कल हम भी पहुँच गए अपने कमरे में, शादी पूरी कंप्लीट हो गई, ये पानी की बोतल बढ़ रही है पर
गाइस अब शादी पूरी कंप्लीट हो गई है, लड़की कोई भी दावत कर दे सब कुछ हो गया, दुल्हन भी चली गई। आप देखो बड़ी सुंदर से अभी थोड़ी आँख लगी थी, पर चेकआउट 10 बजे तक करना है, तो भाई फटाफट मजे आ गए इसके बंदे ऐसे कर करके। अभी यार एक्टिंग करे अस पीछे से एक्टिंग आ रही है, थोड़ा डिफरेंट हो रहा है कलर। गाइस अब सारे सेटअप मतलब सारे सेटअप क्या हटने वाले हैं, अब बस अब निकलने वाले हैं। गाइस जो भी था अमेजिंग था, बहुत अच्छा हुआ, शादी भी जो हुआ सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब दिल्ली के लिए निकल रहे हैं गाइस, अब हिम्मत नहीं है मेरे अंदर के ब्लॉग बनाऊँ, तो दिल्ली के अंदर मिलते हैं। ब्लॉग को यही एंड करते हैं, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब।